नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इनक्रेडिबल एंड ब्यूटीफुल इंडिया यानी कि अतुलनीय और खूबसूरत भारत में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये लाल बटन दबाकर और बगल वाली ये घंटी भी बजा दें ताकि आप तक हमारा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। चूना जो आप पान में खाते हैं वो कई बीमारी ठीक कर देता है, जैसे कि पीलिया जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पीने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक कर देता है। चूना नपुंसकता की भी सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता है, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। और जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते हैं उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। विद्यार्थियों के लिए चूना बहुत अच्छी है जो लंबाई बढ़ाती है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिलाकर खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिला के खाओ, दाल भी नहीं है तो पानी में मिला के पियो। इससे लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छा होता है। जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है, मंद बुद्धि बच्चे की सबसे अच्छी दवा है ये चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम है, दिमाग देर से काम करता है, देर से सोचते हैं, हर चीज़ उनकी स्लो है, उन सभी बच्चों को चूना खिलाने से वे अच्छे हो जाएंगे। बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती हो तो उसका सबसे अच्छा दवा है चूना। और हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है और उनका मासिक धर्म बंद हुआ, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दाल में, लस्सी में, नहीं तो पानी में घोल के पीना। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में। अनार का रस एक कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, ये मिला के रोज पिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। और चौथा सबसे बड़ा लाभ कि वो बच्चा बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होगा, उसका IQ बहुत अच्छा होगा। घुटने के दर्द को भी ठीक करता है चूना। घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें दूरी बढ़ जाती है। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक होती हैं। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज़्यादा चूने में है। चूना खाइए सुबह को खाली पेट। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुँह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पियो, तुरंत ठीक हो जाएगा। भारत में जो लोग चूने से पान खाते हैं बहुत होशियार लोग हैं वो। लेकिन तंबाकू नहीं खाना, तंबाकू जहर है और चूना अमृत है। अगर आपके घुटने में घिसाव आ गया है और डॉक्टर कहे कि घुटना बदलवा दो तो भी ज़रूरत नहीं, चूना खाते रहिए और हार सिंगार के पत्तों का काढ़ा पीजिए, घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे।